इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। रामदास आठवले ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया। रामदास का दावा है कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मामला गंभीर है, इसलिए सरकार को बने रहने का हक नहीं है। सचिन वाजे को अनिल देशमुख बोलते हैं हर महीने को 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी मांग मैंने आरपीआई की तरफ से एक मेमोरेंडम देकर मैंने महामहिम के पास की है। विवेक हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक, देखिए वाजे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कोर्ट में अब क्या पेशी शुरू हो चुकी है, उस पर अपडेट दीजिएगा। और रिमांड जिस तरीके से आपने बताया, यूएपीए लगने के बाद 30 दिन के रिमांड एनआईए को मिल सकती है, आज क्या और जानकारी मिल रही है? अर्पिता देखिए, इस पूरे मामले में एनआईए पूरी कोशिश करेगी कि जो मुंबई के सस्पेंडेड एपीआई हैं सचिन वाजे, जो एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है, उनको ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी ले सके, ताकि जो अभी तक देखिए संदिग्ध कार मामला जो एनआईए जांच कर रही है, अभी तक मोटिव नहीं पता चल पाया कि आखिरकार वो क्यों रखा गया था। दूसरी तरफ मनसुख हिरेन की हत्याकांड के पीछे सचिन वाजे का क्या रोल था, हालांकि दो आरोपी इसमें एटीएस ने गिरफ्तार किए थे, उन दोनों आरोपियों एनआईए की कस्टडी में ले लिए गए। मनसुख हिरेन हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, मोटिव क्या थी, आखिर क्यों सचिन वाजे और जो सचिन वाजे को आरोप लग रहे हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने रची थी और उसकी हत्याकांड उन्होंने ही करवाई थी, तो एनआईए ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार दोनों केसेस के मोटिव क्या है। यही वजह है कि 10 दिन पुलिस कस्टडी मिलने के बाद एनआईए एक बार फिर से पूरी कोशिश कर रहा है और रिमांड लेने की कोशिश करेगा, कोर्ट से मांग करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी सचिन वाजे और बाकी आरोपी को मिल सके, ताकि दो केस के जो मोटिव है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए, उन मोटिव का खुलासा कर सके एनआईए। अर्पिता बिल्कुल रही जरा आप साथ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही